जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ताज हो, तख्त हो या दौलत हो जमाने भर की, कौन सी चीज़ मोहब्बत से बड़ी होती है। हर आदमी की अपनी एक यात्रा होती है। तुम्हारी अपनी एक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से लेकर के जा रही है। मेरी अपनी एक यात्रा रही है जो मुझे अलग अलग पड़ावों से होकर के ले गई है। उसमें कुछ खास नहीं हो गया। कई बार तो मुझ पर ये बात आरोप की तरह डाली जाती है। अच्छा, खुद तो कर आए सब, IIT, IIM, सिविल सर्विसेज, ये वो, दुनिया में जो जो भोगना था सब भोग लिए हो, और हमसे कहते हो कि सक्सेस के पीछे ना भागो। ना उसके पाने में कुछ विशेष था, न रचित उसके छोड़ने में कुछ विशेष है कि तुम कह रहे हो कि क्यों वो सब छोड़ दिया, क्यों ऐश नहीं कर रहे हो, क्यों यहां बैठे हो। तुम्हें लग रहा है मैं ऐश नहीं कर रहा, मुझसे तो पूछ लो मैं कर रहा हूं कि नहीं। एक दूसरी मोहब्बत भी होती है, और जब वो मिल जाती है तो बस मिल गई, महा आयाशी है वो, उससे बड़ी ऐश दूसरी नहीं है। जब ये समझ में आने लग जाता है कि मैं क्या हूं और मुझे कैसी जिंदगी जीनी है, और जहां तक इस शरीर की बात है, एक ही शरीर है और एक ही जीवन है, तो फिर तुम उन राहों को कोई खास महत्व देते ही नहीं जिस पर सब चल रहे हैं। तुम कहते हो छोटी सी जिंदगी, ये बहुत ही छोटी है, आधी बीत गई, आधी और बची है, अधिक से अधिक इसको वही सब करके गुजार दिया जो करने का आदेश इशारे दूसरे दे रहे हैं, तो पागल हूं मैं, जिंदगी ही खराब कर ली अपनी। तुम्हारे लिए IIT बड़ी चीज, गुजर चुके। तुम्हारे लिए IIM बहुत बड़ी चीज, चलो वहां से भी गुजर चुके। तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज, यहाँ सिविल सर्विसेज ही क्लियर कर चुके। नौकरियों में भी जो सबसे, MBA के बाद भी नौकरियों में भी जो सबसे ऊंची नौकरी मानी जाती है, बादशाहों की नौकरी, कंसल्टेंट की नौकरी, वहां से भी होके आ चुके, और अब तुम्हारे पास बैठा हूं चक्कर पूरा करके। तुम कहते हो तुम्हें कुछ नहीं मिला और बहुत कुछ पाना है, और जो कुछ तुम्हें पाना है वो सब पाके तुम्हारे सामने बैठा हूं। तो यही बात ठीक ठीक नहीं आ रही क्या कि मुझ में तुम में कोई अंतर है ही नहीं, और मैं उसी की बात करने बैठा हूं तुम्हारे सामने जहां पर मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। अगर वो बातें वास्तविक होती जो मुझ में और तुम में अंतर पैदा करती हैं, तो मैं तुम्हारे सामने कैसे होता? फिर तो मुझ में तुम में इतना गैप हो जाता कि तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेके भी नहीं मिल पाते। तुम्हें कुछ देने भी नहीं आया हूं, वो तुम्हारे पास पहले से है। मैं सिर्फ उसकी बात करने आया हूं ताकि वो थोड़ा जग सके, तुम्हें उसकी याद आ सके।